थर्सडे नाइट से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ. सो यस दैट्स वाई मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि अभी मैं ऐसे बोल रही हूँ, अभी 2 days ले चुकी हूँ, क्योंकि मुझसे कंटिन्यूटी में बोला नहीं जा रहा खांसी की वजह से. मेरे को मेरे गले में अभी भी बहुत दर्द है, ऑल्दो मुझे फीवर बहुत ज़्यादा तेज था 2 दिन, बट नाउ इट्स कम्प्लीटली ओके. बट मैंने 3-4 दिन कुछ भी नहीं खाया है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस है और चक्कर आते हैं थोड़ी थोड़ी देर में. अभी भी मुझे वक्त आ रहे थे थोड़ी देर पहले, मेरी आईब्रोज को फोन करेगा थोड़ी देर हमारे जाकर बनवाऊंगी, तो चक्कर आ रहे थे इसके लिए. मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा गले की वजह से, तो इसलिए वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है. और आई एम वर्किंग ऑन इट, बट या तो आज है 24th रोज़ है. यस तो अब देखते हैं, तारे का टाइम हो रहा है, 6:15 हो रहा है, तो देखते हैं आज क्या बनता है. तारी में फ्रूट चाट मैंने बना दिए और पकौड़ों को वैसे मैंने बोल दिया था, कल मैं गई थी किचन में तो मुझे चक्कर आ गए थे, चीज़ें गिरा के मैं वापसी आ गई थी. तो और तो गुड न्यूज़ भी है कि थर्सडे से लेके आज ट्यूजडे तक मैं आई हैव लॉस्ट, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 6 days में आई हैव लॉस्ट 4 kgs बाई नॉट ईटिंग एनी थिंग. मैं सिर्फ चाय पे जिंदा थी, मैं सिर्फ चाय पी ली थी, क्योंकि मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा था. इट्स नॉट अ गुड थिंग ऑल्दो, बट या सो तब इंशाल्लाह रोज़ खा लूँगी ब्लॉग अगर पॉसिबल हुआ, हिम्मत हुई तो. प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड या प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट लाजमी करती थी प्लीज़. यह है पकौड़ों का सामान, ये पकौड़ों का बेसन, ये मम्मी फ्राई कर रही हैं, फ्रेंच फ्राइज हुआ करते नहीं है अभी मार्केट गई हुई, छोले हैं जो कि मम्मी बना चुकी हैं, फ्रूट चाट जो मैं बना चुकी हुई थी और